किन किन शिक्षकों की काउंसलिंग कब जल्द बताएंगे विभाग। नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, मेरे यूट्यूब चैनल कलाम क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि विद्यालय के समय सारणी को लेकर जो विधान परिषद में बहस हुई थी, तो क्या उसकी सच्चाई है, कब लेटर जारी होने वाला है, क्या टाइम रहेगा, या फिर ऐसे ही जो अभी चलता है 9 से 4:30 वो रहेगा। सरकारी स्कूल के समय पर 2 दिनों में विभाग लेगा निर्णय। विभाग क्या करेगी, निर्णय लेगी। निर्णय किस प्रकार से लेगी है देखिए, विधान परिषद में मंगलवार को एक प्रस्ताव के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, सुनील कुमार ने कहा कि स्कूल के प्रारंभिक मतलब स्कूल के प्रारंभ और बंद होने के समय सीमा पर विभाग 2 दिन में निर्णय लेगा। मतलब 2 दिन में क्या होगा, लेटर पत्र निकलेगा। अभी जो तो चल ही रहा है, जो भी बदलाव होगा, अब बदलाव क्या होगा वो भी कहा गया। सुबह 9 बजे से स्कूल का संचालन 2013 से 2021 तक होता रहा है। इसकी समीक्षा कर विभाग इस मामले का निष्पादन करेगा। जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव रखा कि बिहार विधानमंडल में मुख्यमंत्री द्वारा, मतलब बिहार विधानमंडल में मुख्यमंत्री के द्वारा जो है विद्यालय संचालन की अवधि क्या बोला गया, बोले गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा 10 से 4, ठीक है। तो इसी के आलोक में यहाँ पर सवाल किया गया था, विभाग इस पर अमल करने के बजाय शिक्षकों को शिक्षकों के वेतन कटौती करती है, मतलब लेट आती है शिक्षक, इसलिए इसका समर्थन नीरज कुमार सिंह सहित अन्य सदस्यों ने किया। भाजपा के नवल किशोर यादव के प्रस्ताव, अच्छा तो यहाँ यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे जो विधानमंडल में, यहाँ देख लीजिए विधान परिषद में जो बैठक हुई उसमें सवाल किया गया, तो शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब मिला है कि 9 से 4 जो है विभाग करेगी, निर्णय लेगी, 1-2 दिन में पत्र निकलेगा। साथ ही यहाँ पर जो ट्रांसफ़र को लेकर के कहा गया है, चाहे वो नए शिक्षक हो या पुराने शिक्षक हो, तो भाजपा के जो नवल किशोर यादव है प्रस्ताव में क्या किए हैं, विशिष्ट शिक्षकों को स्वैच्छिक मतलब इच्छानुसार स्थानांतरण के जवाब में शिक्षा मंत्री क्या कहा है, तो शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के भी जो सवाल किया गया था उसके लिए शिक्षा मंत्री क्या कहे हैं, उनकी सुविधा के अनुसार नज़दीक के विद्यालय में पोस्टिंग की जाएगी, शिक्षकों को कम से कम परेशानी हो इसे ध्यान में रखकर स्थानांतरण किया जाएगा, स्थानांतरण नीति में मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता दी जाएगी, विशेष राज्य के दर्जे पर, अच्छा यहाँ तो वो चले गया। अब यहाँ पर दो चीज़ निकल के आ रहा है कि, और एक दूसरी खबर में हम बताते हैं आपको, विद्यालय के संचालन का समय तो 9 से 10 होना है, जो कि 1-2 दिन में पत्र निकलेगा, साथ ही शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। तो अब यहाँ एक सवाल बन रहा है, जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, या फिर तैयारी वाले या फिर पुराने वाले, किन किन शिक्षकों की काउंसलिंग कब जल्द बताएंगे विभाग। तभी वर्तमान में जो है सक्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग 1 से लेकर 6 तक होना है, साथ ही उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे तैयारी के साथी हैं कमेंट किए थे, तो उनके लिए भी जो है कुछ खबरी आने वाली है, जैसे ही कमेटी रिपोर्ट क्या करेगी जारी करेगी उसके अकॉर्डिंग जो है उसका भी शेड्यूल निकलने की संभावना है। तो स्कूल का जो समय अवधि है उसमें क्या होना, 2 दिन में निर्णय लेगी विभाग, ये विधान परिषद में सवाल के जवाब में कहा गया था ऐसा। यहाँ ट्रांसफ़र में सबसे बड़ी बात है कि महिला और दिव्यांगों को जो है नज़दीक में पोस्टिंग की जाएगी, और जो पति पत्नी शिक्षक हैं उनको भी बगल के विद्यालय या फिर एक ही स्कूल में करने का, ट्रांसफ़र करने का जो है प्रस्ताव लिया जाएगा। साथ ही शिक्षकों का काउंसलिंग कहाँ पर होगा, जहाँ जिस जिला में उसका आवंटन मिले है, मान के चले कि आप हैं पटना के लेकिन मिल गया आपको जिला आरा, तो आरा में ही काउंसलिंग होगा आपको, ठीक ना। तो काउंसलिंग से संबंधित एक वीडियो जो है संपूर्ण बनाया गया है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक के तो लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाए ताकि जो भी हम पोस्ट डालेंगे उसकी जानकारी आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिलेगी। तो वीडियो को लाइक के तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिए। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।